हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिस प्रणाली डोंगरे, प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक कॉलेज, नागपुर. इन टुडे सेशन आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर ऑन लोड्स ऑन स्टील स्ट्रक्चर. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, स्टूडेंट विल एबल टू एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ लोड, दैट इज डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, सिज्मिक लोड, स्नो लोड एक्सेट्रा, एक्टिंग ऑन द गिवन स्टील स्ट्रक्चर. इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट स्टील यूज एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रोल स्टील सेक्शन, स्टील स्ट्रक्चर इमेजेस, एडवांटेजेस ऑफ स्टील, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील, types of steel structure like steel tower, roof, trusses, steel water tank, steel bridges, gantry and crane girder, steel column, steel chimney. Now, we discuss about the types of load on steel structure. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के लोड्स हैं जो स्टील स्ट्रक्चर पे एक्ट करते हैं. द वेरियस लोड्स विच आर लाइकली टू एक्ट ऑन द स्टील स्ट्रक्चर आर गिवन एज बिलो. फर्स्ट लोड है डेड लोड, सेकेंड लाइव लोड, थर्ड इज विंड लोड, फोर्थ स्नो लोड एंड फिफ्थ सिज्मिक लोड. वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड. डेड लोड फर्स्ट इज अ डेड लोड. डेड लोड इज द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स. सुपर इम्पोज लोड एंड लोड ड्यू टू फिलिंग मटेरियल्स आर रेफर एज अ परमानेंट लोड. डेड लोड किसे बोला जाता है? डेड लोड मीन्स किसी भी स्ट्रक्चर का खुद का वेट डेड लोड कहलाता है. अब उसमें फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स भी आ गए, वॉल्स, कॉलम, बीम, ये जितने भी कंपोनेंट पार्ट है और स्ट्रक्चर का खुद का वेट, उसे डेड लोड बोला जाता है. इस लोड को परमानेंट लोड भी बोला जा सकता है. डेड लोड आर लोड विच आर कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड फिक्स इन अ पोजिशन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्ट्रक्चर अगर कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उस स्ट्रक्चर का खुद का वेट डेड लोड कहलाएगा और परमानेंट लोड कहलाएगा, जो कि फिक्स इन अ पोजीशन में रहता है लाइफ टाइम तक. ऑल परमानेंट कंस्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल ऑल परमानेंट कंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग वेट ऑफ वॉल, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया वेट ऑफ वॉल, पार्टीशन, फ्लोर्स एंड रूफ, दीज आर दी डेड लोड. Second one is live load. Live loads are the load which vary in magnitude or in positions. Live loads area also known as imposed load. Live load means जो कि vary होता है in magnitude and in position, मतलब one place to another place में vary हो सकता है. Dead load जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो एक permanent load है, मतलब किसी भी structure का सेल्फ वेट. और लाइव लोड मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम पर्सन अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अवेलेबल है और हम हमेशा के लिए वहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकते, तो हम वन प्लेस टू अनादर प्लेस में वेरी होते हैं. तो ये एक ग्रेट एग्जाम्पल है, उसे बोला जाता है लाइव लोड. फॉर एग्जाम्पल किसी रूम में किसी टेबल का होना और वो टेबल को बाद में हम कहीं और जगह अगर लेके जाते हैं तो दिस इज़ लाइव लोड. वो लाइव लोड कहलाता है, उसे हम डेड लोड नहीं बोल सकते बिकॉज वो परमानेंटली वहाँ पर प्लेस तो नहीं है. उसे हम लोग वेरी कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में वो ट्रांसफ़र हो सकता है. दैट्स वाई लाइव लोड इंक्लूड एनी एक्सटर्नल लोड इम्पोज अपॉन द स्ट्रक्चर व्हेन इट इज़ सर्विंग इट्स नॉर्मल पर्पस.
Live load include the weight of materials stored, furniture and movable equipment. For example, furniture and movable equipment. These are the live load examples. You all have to see this picture. The peoples are live load. Chair is live load. Table is live load. Is a great example. Now next, third one is wind load. The wind exert pressure on the structure. The pressure exerted may be both external and internal. अब वे विंड लोड क्या है? विंड लोड जो है वो एक प्रेशर है जो कि स्ट्रक्चर पे एक्ट हो सकता है एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी. द एक्सटर्नल प्रेशर विल डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कहाँ पर है, जियोग्राफिकल लोकेशन उसकी किस तरीके से है और वहाँ पर विंड का प्रेशर कितना पड़ने वाला है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे. द इंटरनल विंड प्रेशर विल डिपेंड्स अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर. और जो इंटरनल प्रेशर है वो डिपेंड करता है किसी भी स्ट्रक्चर के परमेबिलिटी पे. सीधी विंड लोड इमेज. Next one is, fourth is snow load. In the area of snowfall, an allowance for snow loads, actual loads caused by snow depends upon the shape of the roof and its capacity to retain the snow. Snow load generally roof ke top surface par act karenge because of snowfall. Jaise ki aap is images mein dekh rahe hai. It is a common practice of not combining the with the snow load because जहाँ पर structure situated है वो area भी और वो city भी depend करता है. जैसे कि snow load consideration में आएगा मनाली जैसे cities में जहाँ पर snowfall हमेशा होता है, उस जगह पर snow load को consideration में किया जा सकता है. Now next is a seismic load. Structure situated in the region subjected to earthquake shall be designed to resist the horizontal force produced in the structure due to earthquake tremors. अब seismic load कहाँ consideration में आएगा? For example, structure ऐसे area में situated है जहाँ पर earthquake आता है, उस समय हॉरिजेंटल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है स्ट्रक्चर में ड्यू टू अर्थक्विक. एंड दीज लोड शैल बी अज्यूम क्राइटेरिया फॉर अर्थक्विक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर. नाउ सी द इमेज ऑफ सिस्मिक लोड. फोर्सेस कॉजेज ड्यू टू हॉरिजेंटल एंड एज वेल एज वर्टिकल मूवमेंट of the building. You have to see the picture. There is a horizontal forces at on the building. Now next we will discuss about method of design. There are many methods of design. Out of them, following two are more popular. First is working stress method and second is limit state design. We will discuss about working stress method. Working stress method, stress design was in use for many years in all leading countries. बहुत सारी countries में working stress method का use करके ही structure को design किया जाता है. In this method, estimation of load, possibility of occurrence of higher design load. इसमें इस method में load का estimation and हायर डिज़ाइन लोड. जब भी कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है तो वो हायर लोड को कंसिडरेशन में लाकर ही डिज़ाइन किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज लिमिट स्टेट मेथड. द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी. एक एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी के लिए और सर्विसबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए बट बिफोर फेल्यूअर ऑकर इज कॉल्ड एज अ लिमिट स्टेट. द लिमिट स्टेट आर क्लासिफाइड एज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी. लिमिट स्टेट मेथड को
क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में. फर्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकेंड वन इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड द स्ट्रक्चर शैल बी डिजाइन टू विदस्टैंड सेफ्टी. लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड में स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है कंसिडरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ लोड लाइक लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड एक्सेट्रा. वी विल डिस्कस अबाउट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन ईच ऑफ द टू प्रिंसिपल डिजाइन फैक्टर, दैट इज द लोड एंड द मटेरियल स्ट्रेंथ. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. द लोड एंड मटेरियल स्ट्रेंथ आर कंसिडर इन अ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. हैंस टू डिफरेंट फैक्टर, वन फॉर लोड एंड द अदर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ आर यूज. दीज आर द MSBT क्वेश्चंस विच इज आस्क इन एग्जामिनेशन. फर्स्ट, वॉट आर द टाइप ऑफ लोड टू बी कंसिडर वाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर. सेकेंड एंड लीस्ट, द टाइप ऑफ लोड टू बी कंसिडर वाइल डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर. थर्ड वन इज स्ट्रेट, डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट स्ट्रेट एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ दैम. फोर्थ, डिफाइन लिमिट स्ट्रेट एंड लास्ट डिफाइन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन बोल्टेड कनेक्शन. आई होप यू ऑल आर एंजॉयड द ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग. थैंक यू.